आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर बीजेपी के सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने आज एक बड़ा बयान देते हुए हैदराबाद पुलिस का धन्यवाद भी किया। और उन्होंने कहा कि यहां एक बयान देते हुए कहा कि हैदराबाद पुलिस को जो कहना करना कि आरोपियों ने पुलिस हथियार छीनकर फायरिंग करते हुए मौके से फरार होने की कोशिश की थी, जिसके चलते उन्होंने आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया था। अगर आरोपी किस तरह वहां से भाग जाते तो पुलिस पर हमेशा के लिए ये कलंक लग जाता। देखिए, पुलिस का जो बयान आया है हैदराबाद पुलिस का, ये चारों आरोपी भाग रहे थे, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे थे और उसी के दरमियान ये घटना घटी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ हैदराबाद पुलिस का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर किसी तरह से ही आरोपी अगर भाग जाते तो पुलिस पे एक हमेशा के लिए कलंक लग जाता है, कोई भी पुलिस को माफ़ करने वाला नहीं था। आज घटना वास्तव में कैसे घटी, पुलिस ने जो है बल का कितना प्रयोग किया, क्या किया, ये तो आगे आने वाला जो आने वाला इन्वेस्टिगेशन में बताएगा, लेकिन अभी जो है प्रथम दृष्टिया मैं पुलिस को धन्यवाद। अच्छा, उन्नाव में भी रहे जो घर वाले हैं वो भी न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए, कहीं कोई कहीं कोई भी अपराध होता हो, कहीं कैसा भी अपराध हो, विशेष रूप से महिलाओं के प्रति जो अपराध है एक बहुत गंभीर और जघन्य अपराध है, और हमारे समाज के अंदर केवल जहाँ कड़े कानून बनना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ समाज के अंदर, घरों के अंदर, स्कूल और कॉलेजों के अंदर हमारे बच्चों को नैतिकता और संस्कार कैसे दिए जाएं, इसके बारे में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सांसद जी, आज उन्नाव कांड को लेकर समाजवादी जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खुद अखिलेश यादव जो है लखनऊ में विधानसभा गेट पर धरने बैठे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो इस प्रकार के जो केस हैं, महिलाओं के प्रति अपराध है, इतना जघन्य अपराध है, उसके ऊपर पॉलिटिक्स करना ये किसी को शोभा नहीं देता। इसमें सभी लोगों को अपनी पॉलिटिक्स छोड़ करके समाज हमारा सुरक्षित कैसे बने, हमारे देश की महिलाएं किस प्रकार से सुरक्षित बने, इस बात पर विचार करना चाहिए। थैंक यू।